साइज नहीं होता, ये तकरीबन इससे थोड़ा सा और मजीद बड़ा हो जाएगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं। ये फीमेल स्टार्ट होता है इसकी। जैसे हमारा स्टेमिना ना, कभी हम चल नहीं पाते तो चलेंगे, कितना चलेंगे। अच्छा, तो ये इसके मुंह में जो दांत है ये? हाँ जी बिल्कुल, ये जो बाहर निकले हुए? नहीं, ये दांत नहीं है इसका, मतलब फेक आप परिंदा है और नियर टू एक्सटेंड है, अच्छा तो तो इसके लिए नाम हम डिस्प्ले। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टीएस नॉलेज टीवी और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। फ्रेंड्स इस वक्त हम मौजूद हैं फवाद चौधरी के एक मिनी जू टाइप है, इस पे यहाँ पे आपको आज की स्टूडियो में उल्लू दिखाएंगे। ये आप जो देख रहे हैं ये शेर का बच्चा है और पीछे केज में भी आप देख रहे हैं छोटे बच्चे शेर के, और पीकॉक्स हैं, इसके अलावा ईगल हैं और हॉक डियर्स हैं। ये जो फवाद भाई का पूरा सेटअप है ये आपको दिखाते हैं, शो करवाते हैं और कुछ थोड़ी थोड़ी मालूम लेते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र, आप सुना कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर हैं। फवाद भाई ये आपके हाथ में ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है सिम्बा। सिम्बा ये मेल है, ये है तकरीबन 3 मंथ्स के करीब का। अच्छा 3 महीने का? जी बिल्कुल। तो इसको आप क्या खिला पिला रहे हैं? ये इस टाइम तो मैं रूटीन रखी हुई है, वीक में 2 से 3 मरतबा बीफ, उसके बकाया जो सा चिकन, और एक दिन मैं इसको बिल्कुल कुछ नहीं देता ताकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन रहे। नहीं ये जो शेर होता है इसको डेली नहीं खिलाना होता? देखें जंगल में 25-25, 30-30 दिन भी कुछ नहीं खाते हैं। अच्छा। खाने को एक दिन में वो 10-12 मन भी खा जाते हैं। अच्छा, है ना, लेकिन इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कैप्टिविटी में, जी मेरे सामने काफी ऐसे कस्टमर्स और मेरे पास खुद भी एक दफा ऐसा इशू आया था, इनको कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा इशू आ जाता है। अच्छा ठीक है, क्योंकि इधर उस तरह की इनकी वॉक नहीं है, उधर कहीं कहीं 100 मील चलना होता है, इधर इतने मील नहीं चल सकते, तो इधर छोटे छोटे केजीज और उस हिसाब से, तो बेहतर ये होता है कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन करने के लिए कि यार इनकी जो उनकी हेल्थ है और इनका हाजमा जो सा मजबूत रहे, तो एक दिन नागा लाजमी देना चाहिए, सबको देना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो ये छोटा बच्चा है इसको गोश्त के अलावा को दूध वगैरह भी देते हैं या खाली गोश्त? दूध वगैरह भी देते हैं बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ दूध और गोश्त, इसके अलावा कुछ नहीं? इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये एक जो शेरनी है ये कितने कब्ज दे जाती है? अच्छा शेरनी के एवरेज 6 to 7 कब्ज भी आए हुए हैं। ठीक है, नॉर्मल रूटीन 2, 3, 4 और 6 to 7 कब्ज भी आते हैं, 1 से 7 तक कब्ज। अच्छा 1 से 7 तक है, तो ये इसका कितना पीरियड कितना होता है? इनका होता है 90, मतलब 100 to आप ये समझ लें 120 डेज, मतलब ये कि 3.5 से 4 महीने के बाद ये जो बच्चे दे जाती है। बिल्कुल, तो ये उसके बाद ये कंसीव हो जाती है। ये एक साल में कितनी मरतबा बच्चे देती है? ये एक साल में 3 मरतबा दे सकती है, आप खुद ही 3 मंथ 6 9 और आप 1 महीना वैसे लगा लें तो एक साल में आप 3 ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन अमूमन 99% हर फार्म पे 2 मरतबा आती है। 2 मरतबा आती है। तो आपके पास टोटल कितने हैं बड़े जो? पूरे फार्म पर तो मौजूद है इस टाइम माशाल्लाह 4 पेयर मौजूद है, 2 व्हाइट के हैं 2 ब्राउन के। ब्राउन के, जबरदस्त जबरदस्त। तो क्या रेट होगा ये छोटे बच्चे जो 3 महीने? अब ये ब्राउन मेल है, ये कॉमन मेल है, लेकिन ये स्प्लिट है, इसका कलर देख रहे हैं लाइटिश है नीचे से। इसकी मदर जोन से है वो व्हाइट थी और इसके फादर जोन से है वो ब्राउन थे। अच्छा, तो इसका रेट जोन से मैं डिमांड कर रहा हूँ 7 लाख। अच्छा 7 लाख, और जो व्हाइट होते हैं? व्हाइट जोन से होते हैं उसका मैं कर रहा हूँ 15 लाख। 15 लाख गफार। अच्छा अच्छा, चले थोड़ा सा विजिट भी करा और साथ जी बिल्कुल वो करते जाते हैं। तो ये आप सेल जो है ये करते हैं छोटे? जी जी बिल्कुल, छोटे नहीं, मैं तकरीबन जो 1 मंथ के अबव होते हैं उसको करता हूँ। अच्छा इस केज में है फ्लेमिश जाइंट रैबिट, ये देखे माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, ये तकरीबन इनका वो बड़े लोगों ने वो वीडियोस में कहा हुआ है कि 12-15 केजी वेट हो जाता है, लेकिन अंदर जाओ ना जरा इसको। अच्छा, लेकिन इनका वेट इतना नहीं होता। ये देखे माशाल्लाह, ये अभी तकरीबन 1.5 से 2 मंथ का। अच्छा 1.5 से 2 मंथ का, तकरीबन कितना वेट हो जाता है? जी तकरीबन इसका जो नॉर्मली वेट है वो 7 to 8 केजी पर पीस का हो जाता है इनका। अच्छा। एक पीस का इतना वेट होता है इनका लास्ट में। अच्छा अच्छा जी, तो इसको जरा खोलें, ये जो केज नंबर 2 है। अच्छा ये ना सेमी टेम्ड है, ये आई थी वाइल्ड थी, लेकिन अब वो इसको मेरे पास आए 1 मंथ अबव हो गया और काफी हाथ प्यार वगैरह करने की वजह से अब कहती तो मुझे तो कुछ नहीं है, बकाया सबको कहती है। हुराम हुराम। इसकी तकरीबन एज कितनी है इसकी? इसकी 6.5 मंथ के करीब करीब एज। बस बस क्या हुआ? 6.5 महीने हम लोग आगे ना है? नहीं नहीं आप लोग आए हैं फिर। ये देखिए अभी भी वो अपने वाइल्ड होने की वजह से इस तरह काट रही है।
अच्छा। लेकिन उसे इस तरह प्यार, दिन में उसको 2-3 घंटे उसके साथ खेलना, गोश्त खिलाना, प्यार करना उसको। ये अभी ग्राउंड में मैं इनको ना, जैसे ही जरा धूप कम होगी इन दोनों को मैं ग्राउंड में ओपन छोड़ देता हूँ। तो वो सारी जैसी जानवर जब हेल्दी और फ्रेश और मतलब एक्टिविटीज में रहता है ना जी जी, तो वो दूसरे के साथ वैसे ही प्यार करता है। जानवर रियल में प्यार का भूखा होता है। जैसे आप देखें वाइल्ड है जी जी, लेकिन अभी मैं उसके करीब खड़ा हूँ उसको कोई ऐसा इशू नहीं। जबरदस्त हो गया। तो ये कितने जवान, कितनी एज में हो जाते हैं? अच्छा, फीमेल जोनसी है ना वो होती है तकरीबन 2.5 साल के बाद। अच्छा, 2.5 साल के बाद जी। फीमेल जोनसी वो 2.5 साल के बाद होती है और जो मेल है वो तकरीबन 3 साल बाद अडल्ट होता है। अच्छा, 3 साल के बाद। ये बकाया ऊपर नीचे भी एज हो सकती है। ये सारा कुछ ना हमारी डाइट पे मेंटेन करता है। इनका अप्रोक्सीमेटली एक वेट गेन होता है और इनकी हेल्थ होती है, जब ये उस पे चले जाए तो नौजवान। जबरदस्त हो गया। चले, इसके एज में क्या? इसके अंदर है ईयर ओल्ड, ये रेस्क्यूड है। अच्छा, ये हमारे जो पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर पाकिस्तान में बना है और बड़ा अच्छा है कि वो जानवरों के तहफ्फुज के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उनके साथ हम कोलैबोरेट हैं। ये ईयर डाउल है, ये उन्होंने किसी जगह से पकड़ा है, मतलब कि किसी ने ना इसको मतलब इसको ना किसी ने ना अपने लिए रखा हुआ था स्टॉल में डिस्प्ले करके हाथों में सेल्फीज वगैरह के लिए, इसलिए। हालांकि बहुत नया परिंदा है और नियर टू एक्सटेंड है। अच्छा, तो इसके लिए उन्होंने कैप्चर्ड किया, उनके साथ मैं कोलैबोरेट हूँ। तो वो अपने सारे वाइल्ड बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स हमें इस शेल्टर में ले आते हैं और हम उसको अच्छा रिहैबिलिटेट करते हैं। उसको हम रिहैबिलिटेट करके फिर वाइल्ड में रिलीज कर देते हैं। अभी इधर नहीं बैठेगा? नहीं बैठेगा, बाहर खुद ही आएगा, आना होगा। अच्छा, ये उल्लू है? हाँ जी, इसको उल्लू कहते हैं। अच्छा, बड़ा साइज है इसका। तो हमारा इंपीरियल ईगल। अच्छा, इंपीरियल ईगल, ये भी रेस्क्यूड बर्ड है। ये किसी ने कैप्चर करके ये भी सेम टिक्स वगैरह के लिए रखा हुआ था। अच्छा, तो इसकी क्या नाम है? नहीं, ये अटैक करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी किसी ने ना सेल्फी वगैरह के लिए रखा हुआ था, लेकिन इसको काफी ईयर से रखा हुआ था। मैं मेरे ख्याल से 3-4 सालों से इन्होंने वैसे बिठा कर, तो इसके शोल्डर जोन्स वो मतलब के जाम हो गए थे, वो शोल्डर जोन्स मूव नहीं कर पाते थे सही। तो ये रिलीज नहीं हो पाया। अब इसको इसने पूरा क्लीज किया, न्यू फीडर इसके इसी केज में आए हैं। इसको आए 2-3 मंथ्स हो गए हैं। अब ये फ्लाई के काफी काबिल हो गया है। इंशाल्लाह जैसे हम देखेंगे ना कि प्रॉपर फ्लाई कर सकता है, जैसे दूसरे बर्ड जो वाइल्ड में फ्लाई करते हैं, तो इसको भी हम रिलीज कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, तो ये जो काब होता है वो जो महंगे वाली वैरायटी होती है, ये वही है? वही है, बिल्कुल। अच्छा, इसकी क्या प्राइस वैसे क्या होगी? वैसे तो ये मेरे ख्याल में ओपन सेल के लिए, ये ओपन ये सेल नहीं करने चाहिए, ये शिकारियों के ऊपर होता है। आप देखें वो बेचने को इतनी नायाब की चीज जो उनसे 5,000 रुपए में बेच देते हैं, ये अमूमन वो इस तरह के 25-30 हजार रुपए का एक पीस बेच देते हैं। ये वाला हालांकि वाइल्ड है तो इनको नहीं कैप्चर करना चाहिए। तो ये क्या, ये पाकिस्तान में ये किन, ये मेरे जी जी, ये भी पाकिस्तान के नेटिव है। अच्छा, ये जो है पहाड़ी इलाका जाता है? हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये बलोचिस्तान, सिंध, उसके बाद क्वेटा वगैरह, ये इस इलाकों से ज्यादा। अच्छा अच्छा, तो ये इसके टांग में क्या है? ये नीचे, ये वो आपको बताया था जब इनको जिधर से पकड़ा उसने जेसेस बांधे होते, मतलब ये होता है इनको पकड़ के बांध के हाथ में बिठाने के लिए वो बांधे होते, मैंने बीच में सेंटर से काट दिए। अभी साइडों से नहीं काटे के, अभी इसको क्योंकि फ्री फ्लाई के लिए अभी इधर देते हैं, अभी उड़ सकता है लेकिन इसका इतना स्टेमिना नहीं है कि इधर से फ्लाई करके जैसे एक शहर से मतलब दूसरे शहर में भी चले जाता है, इतना नहीं है। तो अभी इसका स्टेमिना बनाने के लिए इसको मतलब के बांध के हम थोड़ा सा फ्री फ्लाई देते हैं। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। मतलब ये है कि इनको एक्सरसाइज की जरूरत होती है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनका स्टेमिना, जैसे हमारा स्टेमिना ना, कभी हम चल नहीं पाते तो चलेंगे कितना चलेंगे जी जी, तो इसी तरह इनका भी स्टेमिना कुछ बनेगा तो फिर पता लगेगा। बात बहुत क्लियर आई होगी आप। मतलब ये क्या चीज़ ये है? इगुआना, ये भी बहुत छोटा बच्चा है। इनके मैं अडल्ट जो है ना आपको एक रेफरेंस पिक दिखाता हूँ। अच्छा। आप वो देखेंगे, ये जो बाइड मतलब कि आपने बड़े अक्सर देखेंगे बहुत बड़ी छिपली टाइप होती है, वो आके प्यार करा रही होती है, फ्रूट्स वगैरह खा रही होती है, ये वो होते हैं। ये भी बच्चे हैं कुछ नहीं, ये इसका तो कलर चेंज है वो तो नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर डिफरेंट कलर होते हैं। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं, ब्लू, येलो, वो ज्यादा आपने ऑरेंज वाले कलर वाली देखी हुई है वीडियो, वो अलग होते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये इसके मुंह में जो दांत है ये? हाँ जी जी, बिल्कुल, जो बाहर निकले हुए
नहीं नहीं ये दांत नहीं है इसका, मतलब फेस इस तरह है लूसन, मतलब ये ग्रीनरी में लूसन वगैरह तो नहीं खाती, लेकिन ये खाती है वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, पानी वगैरह पीते हैं। बिल्कुल अच्छा, कैमेलियन। जी बिल्कुल कैमेलियन। ये क्या है इसका? ये मतलब ये कलर चेंज करती हैं, जो गिरगिट असल कहते हैं ना, वो गिरगिट तो नहीं कहते इनको, लेकिन रंग बदलना मेन ये होते हैं जो प्रॉपर अपना कलर चेंज करते हैं। नहीं ये प्रॉपर कलर कैसे करते हैं मतलब? ये बेसिकली ना अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अगर इधर प्रॉपर ब्लैकिश एनवायरनमेंट हो जाएगा तो ये उस एनवायरनमेंट में आने के लिए ब्लैकिश हो जाएंगे, और अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी ये कलर चेंज करते हैं। अच्छा अच्छा, अब ये गर्मी है तो इसमें ये सब बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट, ये है स्टार टॉर्टोइस, ये देखें इसकी खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह। ये इस इतना होता है, ये इतना बड़ा साइज नहीं होता, ये तकरीबन इससे थोड़ा सा और मजीद बड़ा हो जाएगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं। ये फीमेल है स्टार टॉर्टोइस की, और ये भी इम्पोर्टेड थे, लेकिन अब ये होम ब्रीड आ रही है अपने लंदन। अच्छा अच्छा, ये ब्रीड करवा रहे हैं? जी बिल्कुल ब्रीड करवा रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं। ये तो ऐसे लग रहा था जैसे शो पीस पड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये वाकई बहुत प्यारा है। अभी तो इसकी क्या प्राइस होती है? ये पर पीस जो मतलब कि बिल्कुल छोटा होता है ना, उसकी प्राइस है 50,000। अच्छा, और ये अभी तकरीबन है कोई इसकी प्राइस 1,00,000 के करीब। अच्छा अच्छा, ये खाती क्या है? ये भी सेम ग्रीनरी, रेप्टाइल्स भी ग्रीनरी, मतलब जैसे देखें घास खा रहे हैं, और ये लूसन वगैरह तो ये तो कहते हैं फिश वगैरह भी खा जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो इस तरह नहीं, ये जंगली खा जाते हैं वो दूसरी चीजें हैं, वो टर्टल्स में आ जाती हैं। अच्छा अच्छा, तो ये टर्टल जी। अच्छा, ये भी ईगल्स हैं, ये भी ना रेस्क्यूड हुई हैं, ये भी पीआरसी ने दिया है। इसमें तो उसका भी फीडर देखें, इसका भी फीडर जो उनसे है ना वो नहीं है। अब ये जो उनसे बर्ड्स है, इनको हम ग्राउंड में वो केज में नहीं रख सकते, क्योंकि इन्होंने अभी फ्लाई नहीं करना, इनके फीडर्स है ही नहीं, तो इनको ओपनली माहौल दिया हुआ कि नेचुरल माहौल में रहते हैं, कभी ऊपर चढ़ जाए इधर चढ़ जाए, इनकी प्रॉपर फीड और पानी वगैरह डाइट वगैरह का ख्याल रखते हैं। तो ये भी पर आ जाएगा इसका पर टूटा? नहीं नहीं, ये पर नहीं आएंगे, ये पर कट गए हुए हैं, ये किसी ने काटे हुए हैं पर। ठीक है। अच्छा, ये हॉग डियर्स हैं, इसके अंदर अभी फीमेल सिर्फ ये है, बकाये ये सारे मेल्स हैं, और ये सारे जो से हैं ब्रीडिंग इनकी, इनके अमूमन एक एक ही बच्चा आता है। अच्छा ठीक है, और बस खूबसूरत चीज है, तो लोग अपने फार्मिंग वगैरह के लिए, कैप्टिव वगैरह के लिए इसको रखते हैं। okay, सलाद के पत्ते वगैरह इस तरह की चीजें ग्रीनरी खानी होती है इन्होंने, तो बकाया चने जो इनके लिए अच्छी डाइट होती है, चने वगैरह ये चीजें देते हैं। इनको आप खुला छोड़ते हैं बस? अच्छा, इनके लिए ना डियर्स के लिए प्रॉपर कोई शेल्टर नहीं चाहिए था, सिर्फ ये देखें ये एक प्रॉपर बनाया हुआ है। ये इसलिए बनाया हुआ है कि बारिश से बच सके, धूप तेज से बच सके, पानी, अब ये देखें धूप अंदर नहीं आ रही, तो अगर इन्होंने धूप के अलावा अंदर आना ये अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा, तो इसलिए ये खुद भी वैसे बहुत गर्म होते हैं, गर्म इनका गोश्त होता है, तो ये इनको इतनी गर्मी और सर्दी के लिए टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक शेल्टर चाहिए होता है ये उसी के अंदर। मतलब ये बकरियों से भी ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। खाना पीना इनके सारा प्रोटोकॉल बकरी वाला? बकरी वाला सेम वही है, और बीमारियां इनको बकरियों से कम लगती है? कम लगते हैं बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल मतलब के अपने खुद हैबिटेट में रहते हैं। और हैं जो तकरीबन डेढ़ डेढ़ साल के हैं, व्हाइट हैं, ब्लैक शोल्डर हैं, ब्लू शोल्डर हैं, ये सारे हैं। इनको जगह थोड़ी नहीं है ये वाले? ये सारे ओपन होते हैं, ये सिर्फ टेम्परेचर की वजह, ये मैं अपने जितने भी इधर बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब को सिर्फ और सिर्फ एक आप ये समझ लें कि उनको बेहतरी के लिए, जैसे इस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा शदीद है जी जी, इस टाइम इनको बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा अच्छा, वो तो उन्हें तो कोई इशू नहीं है, बाहर गर्मी में वो रहते हैं, अभी भी देखें वो इधर आ जाते हैं, इधर तक आके बैठे हुए हैं, अंदर जाना, लेकिन इतना ज्यादा एक्सेसिव हीट भी ना अच्छी नहीं है, बाहर कोई इतनी जगह नहीं है, जितना जैसे ही गर्मी थोड़ी सी नॉर्मल होगी हीट, तो इनको मैं सारों को बाहर ओपन छोड़ दूंगा। जबरदस्त, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ, इनको ओपन छोड़ते हैं।